में और धन्य तेरे गर्भ का फलेशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फलेशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फलेशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। मेरे पीछे बोलिए, बोलो प्रभु परमेश्वर आपका सेवक सुन रहा हूँ। बोलो प्रभु परमेश्वर आपका सेवक सुन रहा है। बोलो प्रभु परमेश्वर आपका सेवक सुन रहा है। बैठिए। संत मत्ती का सुसमाचार 6:33। तुम सबसे पहले ईश्वर का राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, तुम सबसे पहले ईश्वर का राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यो ही मिल जाएगी। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यो ही मिल जाएगी। हालेलुया। प्यारी भाइयों बहनों, ये वचन में मैं बहुत विश्वास करता हूँ। ये वचन के द्वारा मेरे जीवन में बहुत चमत्कार हो गया है। ये वचन सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसके धार्मिकता में खोज में लगे रहो। हम सब ऐसा करने वाला लोग है। हमारा जीवन पूरा ईश्वर को समर्पण करके विश्वास करेगा तो वो हमारे जीवन में उसका सहायता भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम इसका ईश्वर का राज ढूंढने वाला लोग होना चाहिए। हमारे जीवन में कभी कभी कुछ तकलीफ होते, परेशानियां होते, लेकिन उसके समय में हम ईश्वर का राज क्या है और ईश्वर का योजना क्या है इसके बारे में हम ढूंढने वाला लोग होना चाहिए। ईश्वर का योजना क्या है इसके बारे में हम ढूंढना चाहिए। हालेलुया। ऐसा करने से ईश्वर हमको सहायता करते, हमें सिखाते। सेमिनारी में आने के पहले मैं काम करते थे। ईश्वर ने जब मैं 16 उम्र का था उसके वचन के द्वारा चंगाई किया और मुझे बुलाया, मेरे पीछे आओ। लेकिन मुझे ऐसा पीछे जाने का शक्ति नहीं था। मैं क्या सोचा, मैं इतना यीशु को ऐसा पुरोहित होने के लिए इतना अच्छा व्यक्ति तो नहीं है, मुझे नहीं हो सकते, मैं ऐसा सोचा। इसलिए मैं क्या सोचा, मैं वो ईश्वर मुझे वचन के द्वारा बात करते, वचन के द्वारा
ये वचन के द्वारा ईश्वर हर समय, इसलिए अभी भी मुझे वरदान बहुत है, दर्शन का वरदान है, दूसरा सब वरदान है, लेकिन मैं ये वचन को बहुत प्यार करता हूँ, ये पवित्र वचन को बहुत प्यार करता हूँ। ये वचन के द्वारा उसने मुझे उत्तर देता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हम सबको बहुत आसान से उत्तर मिल सकते अगर आप लोग विश्वास करेगा तो। वचन के द्वारा उसने उत्तर देते, बहुत वरदान है पवित्र आत्मा का, मुझे भी ये दर्शन का वर है और दूसरे दूसरे बहुत वरदान दिया है। जो लोग आते मुझे संदेश भी मिलते, चंगाई का वरदान है और छुटकारा का वरदान भी दिया है। हालेलुया, प्रवचन का वचन भी दिया है, प्रवचन और भविष्यवाणी का भी दिया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सबसे ऊपर मैं इसका वचन को प्यार करता है, ये वचन के द्वारा मैं संदेश लेता है, ये वचन के द्वारा उसने मुझे बात करते हैं। हालेलुया, क्योंकि ईश्वर ने मुझे सबसे पहला उसके वचन के द्वारा स्पर्श किया। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे मुल्लुक के एक सिस्टर है, सिस्टर थोड़ा खड़े हो जा सिस्टर, ये हमारे पारिश मेरे नस्तिक, ये सिस्टर पीछे, वो सिस्टर हमारे नस्तिक है, उसका नाम विमला है, उसका मम्मी भी मेरा बहुत बड़ा दोस्त है, प्रार्थना करने वाला परिवार से आया, दोनों सिस्टर है इसका परिवार से। वो हम उधर प्रार्थना करते थे, पॉपुलर मिशन ध्यानम, पॉपुलर मिशन शिविर उधर गया था, फादर माथ्यू नाइक एम्बरम्बिल के लीडरशिप में पॉपुलर मिशन ध्यान में भाग लिया था। उस समय फादर बोलते चंगाई के बारे में बोलते, बहुत लोगों को चंगाई मिलते बोलते, मैं क्या सोचा ए फादर झूठ बोलते, मैं बहुत छोटा था उस समय, 15 साल का था, हमें एक साथ गया होगा, वेंडूर में गया था पॉपुलर मिशन के लिए, ठीक है ना, गया नहीं गया, हाँ हम गांव में, ओके, हमारा उसके बाद में हमारे गांव में भी शिविर हो गया था। उस समय फादर जी ने बोलते चंगाई के बारे में, मैं सोचा ये फादर झूठ बोलते, ऐसा ऐसा खोलते इन लोगों को चंगाई मिला करके बोलते। वो दूसरा एक हमारा एक बड़ी मम्मी है हमारे नस्तिक में, उसको बोला ये झूठ बोलते, उसने बोला ऐसा मत बोलो, ईश्वर का आदमी है, वो झूठ नहीं बोलते। हालेलुया, हालेलुया। उस समय मुझे चंगाई का कुछ जरूरत भी नहीं था, मैं ठीक हूँ, 15 साल का लड़का ऐसा दौड़ते चलते खेलते पढ़ते, कुछ तो तकलीफ मुझे नहीं था, बीमारी भी नहीं था, इसलिए मुझे चंगाई का भी जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसके बाद में 10वां क्लास के बाद में मुझे एक वोकेशन काम को बुलाया, वो दूसरे रास्ते में जाते हैं, मेरा प्रवचन मुश्किल नहीं है, लेकिन ईश्वर को वो ऐसा बोलना चाहते, आप लोग सुनना चाहते मेरा साक्षी भी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं पढ़ाई 10वां क्लास के बाद में फ्रांसिस्कन कन्वेंशन, पुरोहित लोग मुझे बुलाया, मैं गया उधर, लेकिन उधर जाके एक दिन का प्रोग्राम था, कमेंसी प्रोग्राम, उसके बाद में मैं बोला मुझे नहीं ऐसा सोचते मैं पुरोहित बनना, ऐसा मैं नहीं सोचा था, उधर गया था वापस आया, मैं क्या सोचा मुझे एक काम मिलना, जल्दी एक काम मिलना, दूसरे लोग बोला डिप्लोमा करेगा तो, 3 साल का डिप्लोमा है, डिप्लोमा करेगा तो जल्दी काम मिल जाएगा, इसलिए मैं सोचा प्लस टू प्री डिग्री के लिए भी नहीं गया, जल्दी डिप्लोमा के लिए गया, 3 साल का डिप्लोमा के लिए प्रवेश किया, काम जल्दी मिलने के लिए। हालेलुया, लेकिन ईश्वर का मेरे ऊपर योजना था। उस साल है हमारा गांव में भी पॉपुलर मिशन आया, उसी समय मैं इतना तो
याद करते नहीं कि उसी समय वो परमेश्वर पहले और बाद में मुझे याद नहीं। एक दिन मुझे थोड़ा बीमारी हो गया, बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, सो नहीं सकते, बहुत तकलीफ। मेरे मन भी ऐसा दौड़ते अंदर, क्या करेगा क्या करेगा, मुझे मालूम नहीं। उस समय मुझे एक मन में एक आवाज सुना, तुम एक काम करो, थोड़ा प्रार्थना करो। हमारे घर में एक दूसरा फ्लोर है, एक उधर हम हमारे लिए घर में क्या क्या है, ये चावल है, चावल हम बॉइल्ड चावल खाते हैं, बॉइल्ड चावल, वो ऐसा चावल चावल नहीं, दूसरा चावल ऐसा बॉईल करके खाते हैं। इसलिए बॉईल करने के बाद ऊपर डालते वो सूखने के लिए, उधर एक जगह ऊपर, मैं कभी उधर जाते, उधर जाके मैं बैठ के एक गीत गाया, वो जो मलयालम आते उसको मालूम समझ में आते, वो सिस्टर को भी जल्दी मालूम पड़ते, दैवारूपी स्नेह ज्वालयाय स्वर्गतिल निन्नुम नीवरु। पूरा तो नहीं गाते लेकिन इसका मतलब यही है, ये पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतरो, मुझ पर आओ, जैसे तुम शिष्य में आया, देखो उधर पिक्चर है, जैसे तुम शिष्य में आया ऐसे मुझ में भी आओ, मैं दुनिया भर जाके आपके बारे में प्रघोषण करेगा, प्रवचन करेगा, यीशु है सच्चा एक ईश्वर हमारे लिए दिया, यीशु के नाम में चंगाई हो जाएगा, ऐसा ऐसा करेगा करके गीत गाए। लेकिन मैं कभी नहीं सोचा ऐसा काम करने के लिए, मेरे मन में ऐसा तो प्लान योजना तो नहीं था, ये प्रवचन करने के लिए, ईश्वर का सेवा करने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन इसके बाद मैं प्रार्थना करने, गीत गाने के बाद मुझे मेरे मन में बोला, ईश्वर बोला, तुम एक काम करो, बाइबल खोल के पढ़ो, बाइबल खोल के पढ़ो। ऐसा आवाज मेरे मन में आया, बाइबल खोला, पढ़ना शुरू किया, उसी वक्त ईश्वर ने मुझे स्पर्श किया। हालेलुया, उसके वचन के द्वारा मुझे स्पर्श किया। वचन में शक्ति है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द मनुष्य बन गया। हालेलुया, वही है यीशु। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर का था, साथ था, शब्द ईश्वर था, शब्द मनुष्य बन गया, हमारे बीच में आया, वही। हालेलुया। इसलिए प्यारी भाइयों बहनों, ये वचन ईश्वर है। जब हम पढ़ते ईश्वर को सुनते हैं, कौन लिखा, ये पवित्र आत्मा ने लिखा ये वचन। जब मैं वचन पढ़ना शुरू किया, मुझे मेरा चंगाई हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं रोना शुरू किया, वो वचन इतना शक्ति से मुझे स्पर्श किया, मैं रोना शुरू किया। इसके बाद में मैं सुनता हूँ, जो कुछ मैं पढ़ता हूँ वही ईश्वर मुझे बात करते, ये वचन के द्वारा ईश्वर मुझे बात करते, समझ में आया। ये कोई ऐसा नॉवल जैसे तो नहीं है, ईश्वर मुझे बात करते, मुझे समझ में आया, वो वचन पढ़ने आगे पढ़ने में मुझे अच्छा लगा। ऐसा ईश्वर से सुनते, ईश्वर क्या बोलते सुनते। ऐसा यिर्मयाह का ग्रंथ 16:2 में पहुंच गई, उधर लिखा है, तुम शादी मत करो, तुम्हारे लिए बच्चों भी नहीं होना, तुम शादी मत करो, तुम्हारे लिए बच्चों भी नहीं होना। ऐसे वचन के द्वारा ईश्वर ने मुझे बोला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। उसी समय में बोला, जी हाँ प्रभु, जो आप बोलते मैं वही करूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। ऐसा है प्रभु मुझे बुलाया, लेकिन इसके बाद में शंका आते, मुझे सहायता करने के लिए कोई नहीं है। शायद मैं उसके मम्मी को भी एक बार पूछा, वो बहुत प्रार्थना करने वाला है, सिस्टर विमला का मम्मी, वो बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। उसके उससे भी मैं बात किया था एक बार, वो दूसरे किसी को ढूंढा मुझे सहायता मिलने के लिए, कोई मेरे मदद करेगा, मेरा ईश्वर कैसे में बुलाते हैं मुझे नहीं मालूम क्या करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। अभी मैं क्या सोचा, मैं पुरोहित नहीं बनने का, मेरे परिवार में मम्मी पापा को भी बोला, उन लोग भी इसको स्वागत नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। वो सोचा मैं नहीं बन जाएगा करके, इसलिए मैं क्या सोचा, मैं डिप्लोमा पूरा करके, मैं पहले डिप्लोमा पूरा करेगा 3 साल का, इसके बाद में जाएगा। लेकिन जब डिप्लोमा पूरा किया इसके बाद में क्या, अभी कैसे जाएगा, मैं एक काम करेगा, दुबई जाके थोड़ा काम करके पैसा कमा के वापस आके ब्रदर थॉमस पॉल जैसे प्रभु का सेवा करेगा। इतना तो ये ब्रदर थॉमस पॉल जैसे करते, ऐसा प्रभु का सेवा करेगा। हालेलुया हालेलुया। लेकिन ऐसा मैं सोचा, लेकिन प्रभु का इच्छा वही तो नहीं था, प्रभु का इच्छा मैं ऐसा ऐसा कपड़ा पहन के पुरोहित बन के उसका मीसा बलिदान चढ़ा के उसका सेवा करना। हालेलुया हालेलुया। सब व्यक्तियों का, हर व्यक्तियों के बारे में ईश्वर का योजना है, वही सुनना। इसलिए बोलते हैं सबसे पहले ईश्वर का राज और उसके धार्मिकता के में खोज में लगे रहो, और यो ही सब कुछ यो ही मिल जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। अभी मैं दुबई जाने के बारे में सोचा, उधर वीसा मिला, विजिटिंग में उधर गया। उस समय में ईश्वर ने मुझे दिखाया, ये जो रास्ता मेरा नहीं है, बहुत लोगों को, आत्माओं को रक्षा करने के लिए ईश्वर ने मुझे बुलाया, ये मैं दूसरे रास्ते में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया। उस समय मैं ईश्वर को बोला, ईश्वर मुझे सहायता करो, अच्छा सच्चा मार्ग मुझे दिखाओ, उसी रास्ता में मैं चलूंगा, लेकिन मुझे सहायता चाहिए, मुझे दृढ़ विश्वास, मेरा रास्ता वही है, वो अगर पुरोहित होना तो उसका मुझे दिखाना। हालेलुया हालेलुया। ऐसा प्रार्थना करने में मुझे उधर प्रार्थना ग्रुप को मिला, जीसस यूथ ग्रुप को मिला, उन लोगों के साथ प्रार्थना करना शुरू किया दुबई में। हालेलुया हालेलुया। लेकिन मुझे जल्दी वापस नहीं आते, और उधर मुझे पूरा दृढ़ योजना, थोड़ा शंका है मेरे अंदर इसके बारे में। हालेलुया 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 हालेलुया। अभी मैं प्रार्थना शुरू किया, मेरे प्रेयर ग्रुप वाले लोगों ने मुझे बोला, क्या करो तुम, रोसरी करो, प्रार्थना करो, रोसरी माला प्रार्थना करो, ये शंका पूरा होने के लिए और ईश्वर की योजना क्या है समझ में आने के लिए, ये रोसरी करो बोला। मैं रोसरी करना शुरू किया, हर दिन रोसरी करते, ये योजना क्या है, ईश्वर का योजना क्या है समझ में आने के लिए रोसरी करना शुरू किया। प्यारी भाइयों बहनों, ये रोसरी में बहुत शक्ति है, रोसरी में बहुत शक्ति है, इस प्रार्थना बहुत शक्ति शक्तिशाली प्रार्थना है। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए हम ये प्रार्थना
रोसरी प्रार्थना करने हर समय हम एक 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 भीड़ प्रार्थना करते वो शैतान के राज के विरुद्ध करते। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ 141 144। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है, वह मेरे हाथों को युद्ध का और मेरी उंगलियों को समर का प्रशिक्षण देता है। प्रभु मेरी चट्टान है, धन्य है, वह मेरे हाथों को युद्ध और युद्ध का और मेरी उंगलियों को समर की प्रशिक्षण देता है। हालेलुया। प्रभु मेरा चट्टान है, धन्य है, वो मेरी हाथों को, मेरी हाथों को युद्ध का और मेरी उंगलियों को समर की प्रशिक्षण देता है। हालेलुया। क्या है? मेरे हाथ से, बंदूक से नहीं युद्ध करते, बंदूक से नहीं। अगर हम सोचते बंदूक से युद्ध करेगा तो गलत है। ईश्वर का राज्य का युद्ध बंदूक से नहीं, प्रार्थना से है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर के राज्य के लोग बंदूक से युद्ध नहीं करते, प्रार्थना से युद्ध करते। हालेलुया। प्यारी भाइयों बहनों, इधर आने के पहले मैं अफ्रीका में था, अफ्रीका। उधर एक पिछले बार उधर एक जगह में उधर से आया, उधर मैं डायरेक्टर था। एक गांव में है, गांव, वो गांव लोग बहुत तंत्र मंत्र करते, उन लोग तंत्र मंत्र में विश्वास करते बहुत। कुछ बीमारी होते है, कुछ तकलीफ होते है, जल्दी झाड़ू टोना के पास जाते। वो क्या सोचते, वो सब कुछ ठीक करेगा, जादू टोना करते। ये मेरा शिविर के जगह भी एक समय तंत्र मंत्र का जगह था, हमको मिलने के पहले तंत्र मंत्र का जगह था। हालेलुया। हर एक जगह को आशीष फर्क पड़ते, हर एक जगह को, जहां प्रार्थना होते उधर बहुत बड़ा आशीष होते। इसलिए इस जगह में 24 घंटा प्रार्थना होते, इसलिए जब तुम इस गेट के अंदर प्रवेश करते आशीष मिलते, फर्क पड़ते, बाहर से भी फर्क पड़ते। जहां प्रार्थना होते है उधर प्रभु का आत्मा चलते रहते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम लोग ऐसा जगह में आने का जरूरत है, ऐसा जगह में आने का हमको भी प्रार्थना का शक्ति और वरदान मिलते, ईश्वर का सान्निध्य हमको मिलते। लेकिन उस जगह पहले कौन सा जगह था? तंत्र मंत्र का जगह। लोग डरते थे उस जगह से जाने, उस बाग में जाने लोग डरते थे। क्यों? वो तंत्र मंत्र का जगह था, कुछ लोग बलि भी करते थे, बलि शैतान के लिए बलि भी करते थे उधर। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैं उधर गया दूसरे जगह से, अच्छा लोग बहुत प्रार्थना करने वाले जगह से उधर गया, मुझे ट्रांसफर हो गया दूसरे जगह में, एक नागर में एक रिट्रीट सेंटर में डायरेक्टर था, उधर से मुझे ट्रांसफर मिला उधर के इस गांव में। बहुत लोग जादू टोनों में विश्वास करते, वो जगह में भी इतना पवित्रता नहीं हो गया। जाने के समय मुझे थोड़ा तकलीफ होते। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना भी नहीं कर सकते, शुरू से प्रार्थना भी नहीं कर सकते, प्रार्थना को भी रुकावट होती। प्रार्थना करने के लिए भी हमको क्या चाहिए? आशीष चाहिए। हालेलुया, कृपा चाहिए। प्रार्थना करने के लिए हमको क्या चाहिए? हाँ, इसलिए कृपा मिलने के लिए हम ऐसा जगह में आते। इधर आके हमको क्या मिलते? कृपा। एक लकड़ी
आग में डालेगा तो ये लकड़ी को भी क्या मिलते, आग मिलते। तुम लोग लकड़ी जैसे है, अभी इसमें आग नहीं है, कुछ लोगों में कुछ लकड़ी में आग नहीं है, इधर आके बैठेगा, वजन सुनेगा, प्रार्थना करेगा, क्या मिलते, आग मिलते। आग क्या है? पवित्र आत्मा का आग। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंचे आवाज से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करने का तकलीफ हो मुझे, बहुत अच्छा नहीं लगते उधर, उस नया जगह में जाके अच्छा नहीं लगते, प्रार्थना भी करना तकलीफ होते, लेकिन बाद में हम जीत गया। कैसे जीत गया? ये रोसरी के द्वारा जीत गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये रोसरी माला मां मरियम के साथ प्रार्थना करने से हम जीत गई है। हालेलुया। इसलिए प्यारी भाइयों बहनों, हम सबको ये रोसरी का प्रार्थना का बहुत जरूरत है। उधर हम क्या किया? जेरिको प्रेयर शुरू किया, जेरिको। हालेलुया, 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 हालेलुया। जेरिको प्रेयर, हम जो लोग शिविर में आते, आप लोग जैसे शिविर में आते, उन लोगों के साथ गांव में जाते, सुबह में चार रोसरी करते, चार रोसरी। आज किया है क्या? कितना किया? चार किया। हाँ, उसके बारे में बोलना प्रभु को इच्छा है, इसलिए बोलते चार रोसरी करते थे, इसलिए मैं आप लोगों को भी बोलते चार रोसरी करो करके, चार रोसरी करते थे। मुझे नहीं आ सके सुबह में, ब्रदर को पिकिंग करने के लिए जाना पड़ा था, लेकिन चार रोसरी सुबह में हम ऐसा युद्ध जैसे जाते थे गांव में, चार रोसरी करके मां मरियम के साथ जाके चार रोसरी करके वापस आया। ऐसा शैतान के शक्ति के ऊपर हम विजय किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा है, प्रभु मेरी चट्टान, धन्य है वो मेरे हाथों को युद्ध का और मेरी उंगलियों को समर का प्रशिक्षण देता है। मेरे हाथ को बंदूक से नहीं, कैसे, कैसे? रोसरी के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक एक मेरे उंगलियों को भी समर का प्रशिक्षण, उंगलियों को, ये एक एक भीड़ हम चलते, वो कैसे है? गोली जैसे है, गोली, वो बंदूक का गोली है ना, शैतान का राज के ऊपर विरोध गोली चलाते। हालेलुया। कुछ प्रोटेस्टेंट लोग बोलते ये शैतान का नहीं, शैतान का नहीं है, मां मरियम के साथ हम प्रार्थना करते, मां मरियम के साथ हम प्रार्थना करते, उससे हम मूर्ति पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा तो नहीं करते। हालेलुया, हम मूर्ति पूजा नहीं करते। कुछ लोग क्या बोलते हैं, कैथोलिक लोग मूर्ति पूजा करते, मूर्ति पूजा तो नहीं करते। हालेलुया, हम मां मरियम के साथ प्रार्थना करते, मां मरियम के साथ प्रार्थना करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। मां मरियम के साथ हम कैसे, ये प्रणाम मरिया में पूरा वचन है, प्रणाम मरिया कौन बोला, संत मिखाएल, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, कौन बोला, संत मिखाएल, प्रभु तेरे, कौन बोला, हालेलुया, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल, ये सब वजन है। हालेलुया, ये वजन है, हम वजन जो जैसे लिखा है, हे संत मरिया परमेश्वर की, लिखा है क्या बाइबल में परमेश्वर की मां लिखा है, संत लूक 1:43 पढ़ो, मेरा प्रवचन थोड़ा बदली हो गया, लेकिन आप लोगों को ये सुनने का
जरूरत है, इसलिए वो पवित्र आत्मा जैसे मुझे लीडिंग करते ऐसा मैं कर बोलते, ऐसा है मेरा काम, इसलिए मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। हाँ, मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता, मेरी प्रभु की माता मेरे पास आई, मेरे पास आए। हालेलुया। अभी क्या लिखा है, मेरे प्रभु की, हाँ हे संत मरिया परमेश्वर की, 143 लूक, संत लूक 143 एक तिरालीस तैतालीस तिरालीस है ना, 43 कैसे बोलते हैं, तिरालीस है ना, हाँ मैं सही बोल दिया। हालेलुया हालेलुया। एक तिरालीस लुक, देखो मेरे प्रभु की माँ कैसे, हालेलुया। इसलिए हम क्या प्रार्थना करते हैं, ए संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर, हम क्या बोलते हैं, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, वैसे उससे हम कुछ भी नहीं पूछते, प्रार्थना कर हम पापियों के। मैं अगर मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, ईश्वर सुनेगा है क्या, सुनते हैं ना, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते सुनते, लेकिन ये पवित्र माँ जो स्वर्ग में है वैसा हमारे लिए प्रार्थना करेगा, ईश्वर सुनेगा है क्या। हालेलुया। वो हमारे लिए क्या करते, मध्यस्थता करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारी भाइयों बहनों, हम उधर चार रोसरी शुरू किया, हर दिन चार रोसरी करते, वो शैतान का सारे शक्तियों से, वो तंत्र मंत्र जादू टोना सारे शक्तियों के ऊपर हम विजय किया। हालेलुया। इसलिए वो उन लोगों को भी बोला, तुम्हारे घर के चारों मोर ऐसा रोसरी माला प्रार्थना करो, बोला इसके द्वारा शैतान के ऊपर विजय हो गई। हालेलुया। इसलिए हमको यही प्रार्थना का बहुत जरूरत है। अभी रोसरी में भी हम यीशु का जीवन के बारे में मनन करते, यीशु का जन्म और यीशु का ये सुवार्ता का वो काम जो किया, और इसका दुख भोग और इसका पुनरुत्थान, वो सबके बारे में हम मनन करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए प्यारी भाइयों, कब जब समय मिलते क्या करेगा, इस शिविर में भी जब समय थोड़ा पूरा तो नहीं करो, समय मिलते प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ हुए, धन्य तू स्त्रियों में धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु, हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। हम कितने लोगों को ये प्रार्थना नहीं आते, हाथ उठाओ, कितना लोगों को प्रणाम मरिया नहीं आते, जो लोग नहीं आते मैं प्रार्थना लिख के देगा। हालेलुया। ऐसा प्रार्थना शुरू करेगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए वो हमारा वो बहुत लोग आते वो उधर जगह में बहुत लोग आते थे, वो बंधन में थे, शैतान का बंधन में, बहुत बड़ा बंधन में, लेकिन ये प्रार्थना के सहायता से हमको विजयी कर सके। हालेलुया। मां मरियम का सहायता से सब सैतानिक शक्तियों के ऊपर विजय कर सके। हमारे परिवार में भी ये मां का सहायता का जरूरत है। हालेलुया हालेलुया। अगर हमारे घर में मां नहीं तो क्या फर्क पड़ते, एक घर में मां नहीं है तो क्या फर्क पड़ते। देखो ये मां है तो सब कुछ ठीक करके रखते, पुरुष सिर्फ पुरुष लोग है तो क्या सब कुछ बहुत ऐसे इधर उधर उधर, देखो माँ सब कुछ ठीक करते। हालेलुया। लेकिन लोग माँ के बिना भी जी सकते, लेकिन थोड़ा फर्क पड़ते जब माँ आते है, फर्क होते माँ पूरा देखते। हालेलुया। हम सबों के एक माँ का जरूरत है, यही माँ हमारे देखते। यीशु ने अंतिम समय मरने के समय बोला ये तुम्हारे माँ है,
घर में लेके जाओ, इसको घर में लेके जाओ, हम सबको ये मां का जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, ये मां हमारे सहायता करेगा। देखो खाना के विवाह में उन लोगों का अंकुरी खत्म हो गई, ये शरीर इसको क्या बोलते हैं सेलिब्रेशन मनाते, वो विवाह का त्योहार मनाते, त्योहार बोलते हो क्या बोलते मुझे, हाँ ओके मनाते हैं, उस समय अंगूरी वो पीने का वाला खत्म हो गया। जब क्या कौन देखते, उन लोग को दुख हो गया, अगर हमारा कुछ मनाना धोते खाना कदम हो जाएगा तो क्या होते, हमको बहुत शर्म आते, लज्जा होते दूसरों के। मुझे भी एक बार हो गया ऐसा, मैं छुपा के रहा ऐसा कुछ नहीं है तो हम क्या बोलेगा। हालेलुया, सामने करने के भी तकलीफ होते है। हालेलुया, हालेलुया, लेकिन ये माँ देख उन लोगों को दुख देगा, ये माँ देख के उन लोगों को देख के यीशु के पास गया, यीशु के पास जाके बोला देखो उन लोगों का अंगूरी खत्म हो गया है। ब्रदर जी उसका दूसरा इंटरप्रिटेशन देगा, लेकिन मेरा साधारण इंटरप्रिटेशन है, वो कृपा के बारे में बोलते हैं, लेकिन ये साधारण हमारे जीवन में कैसे मां मरियम सहायता करते देखो। हालेलुया, हालेलुया, उन लोगों के लिए यीशु के पास जाके बोला उन लोगों का अंगूरी खत्म हो गया। यीशु बोला मैं और तुम्हारे तुम्हें इसके बीच में क्या है, मेरा समय तो अभी तक नहीं आया, मेरे समय अभी तक नहीं आया। हालेलुया, 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 लेकिन ये मां मरियम उसके पुत्र में इतना विश्वास करते थे, अगर मैं बोलूंगा वो नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया, जब ये मां बोलते पुत्र नहीं छोड़ देता हूं, इसलिए उसका मध्यस्थता का शक्ति इतना बड़ा है, इसलिए हमको ये हमारे परिवार में ये मां का जरूरत है। वो बोला बेटा, बेटा नहीं सुना, समय नहीं आ रहा है बोला, लेकिन विश्वास करके उन लोगों को बोला, जैसे उसने बोला बोलते ऐसा तुम लोग करो। हालेलुया, जैसे उसने बोलते ऐसा तुम लोग करो। यीशु बोला उन लोगों के लिए चमत्कार किया। हालेलुया, हालेलुया, हमारे परिवार के लिए भी जो कुछ कुछ नुकसान है, जो कुछ शांति नहीं है, वो प्यार नहीं है, प्यार का नुकसान नहीं है, आशीष का नुकसान है, ये मां से प्रार्थना करो सहायता करेगा, जरूर करेगा। हमारे आसान का प्रार्थना है, बहुत आसान से हमको प्रार्थना कर सकते, हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए। क्यों हम पापियों के लिए भी प्रार्थना कर सकते, पापी और ईश्वर के बीच में एक क्या है, गैप है बोलते वचन, लेकिन ये गैप में बीच में माँ मरियम खड़े होकर हमारे लिए ईश्वर से वरदान लेते हैं। अगर हम जितना बड़ा पापी है फिर भी जब ये हम ये प्रार्थना मां मरियम के द्वारा प्रार्थना करते जल्दी हमें मिल जाते, इसलिए हम प्रार्थना करते हम पापियों के लिए। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। या मेरा कहानी में वापस आते मेरे कहानी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं उधर जाके अभी दिखाया, अभी रोसरी शुरू किया, हर दिन रोसरी शुरू किया, उसके बाद में प्रार्थना करके ईश्वर को पूछा आपका योजना क्या है मेरे लिए,
वजन खोल के मुझे वो मिला, तुम सब कुछ छोड़ के आओ, जैसे पेत्रुस को बोला तुम सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आओ, बोला मैं बोला ओके ठीक हूं, लेकिन और एक वजन दे दो मुझे, मैं थॉमस जैसे थोड़ा शंका है मेरे अंदर, ओ मैं बोला और एक वजन दे दो मुझे विश्वास करने के लिए। उसी समय मुझे मिला यिर्मयाह का ग्रंथ 31:22, यिर्मयाह का ग्रंथ 31:22, तुम कब तक भटकते रहोगे? 21 से पढ़ो। अपने लिए मार्ग सूचक संकेत बनाओ, पथ बतलाने वाले स्तंभ खड़े करो, उस राजपथ को ठीक ठीक पहचान लो जिससे होकर तुम गई थी, लौट आओ कुमारी इसराइल, अपने इन नगरों में लौट आओ। अपने इन नगरों में लौट आओ, मैं गया दूसरे जगह गया, ईश्वर की योजना मुझे समझ में नहीं आया, मैं दुबई जाके काम करने के लिए गया। उस समय ईश्वर ने मुझे दिखाया तुम रास्ता छोड़ के दूसरा रास्ता में जाते, जो लोग आत्माओं को आपको दिया वो मर जाते छोड़ जाते, वो तुम गया, लेकिन तुम वापस आओ, मेरे पास वापस आओ। हालेलुया, हम सबको भी वही बोलते, तुम वापस आओ, मेरे पास वापस आओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसमें लिखा है लौटाओ कुमारी इसराइल, लौटाओ कुमारी इसराइल। ये मैं क्या सुनते लौटाओ, मेरा नाम रोमियो था, रोमियो ओके लौटाओ रोमियो। हालेलुया, हालेलुया। और इन लोग मुझे रोमी रोमी बोलते हैं, सिस्टर को भी मेरा नाम रफाइल नहीं मालूम, सिस्टर विमला को भी नहीं मालूम था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए रफाइल बोलेगा उन लोगों को, मेरे गांव में भी लोगों को इतना तो नहीं आते। हालेलुया, जब मैं प्रवेश किया मेरा नाम बदली किया, मेरे बपतिस्मा का नाम स्वीकार किया, रफाइल मेरा बपतिस्मा का नाम। रोमियो वापस आओ, तुम मुझसे दूर गया, जिस रास्ता में तुम दूर गया बहुत चौड़ा है, ईश्वर के छोड़ के दूर जाने का रास्ता बहुत चौड़ा है, ईश्वर को छोड़ के जाने के बहुत चौड़ा रास्ता दिया है। ईश्वर ने बोला तुम वापस आओ, योना को भी बोला, योना गया ईश्वर के योजना छोड़ के, ईश्वर बोला तुम निनवे जाओ, लेकिन योना तार्शिश गया, वापस आओ बोला तूफान के द्वारा, उसके नाव में तूफान हो गया, तूफान के द्वारा बोला वापस आओ। हालेलुया, मुझे भी बोला तुम वापस आओ। इसके बाद में 22 पढ़ो, तुम कब तक भटकती रहोगी विद्रोही पुत्री? हाँ, तुम कब तक भटकती रहोगी विद्रोही पुत्री? क्योंकि तुम कब तक भटकती रहोगी, ये ऐसा है भटकती रहते ऐसा, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, जगह पहुंचना उधर नहीं पहुंचते, इधर उधर इधर इधर उधर उधर ऐसा, वो हम कागज में ये क्या नाव बनते कागज का, बचपन में हम कागज का नाव बनाते, ये कागज का नाव हम पानी में डालेगा तो उसको दिशा तो नहीं है, इधर उधर जाते, ऐसा है हमारा जीवन। कितने तुम कब तक भटकती रहोगी विद्रोही पुत्री? ओ, कब तक तुम मुझसे दूर गया, वापस आओ। हालेलुया, हालेलुया। मैं बोला ईश्वर अभी मैं समर्पण करता हूँ, फिर बार्गेनिंग तो नहीं है, बार्गेनिंग नहीं करेगा, मैं समर्पण पूरा समर्पण करता हूँ, आपके पीछे आएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अभी सैतान एक काम बोलते मुझे, क्या बोलते, तुम्हारा वो मैं काम करते थे पैसा मिलते थे, वो बैंक में इतना जमा नहीं किया, खर्चा हो गया बहुत, पहले से बहुत कर्ज था, वो वीसीटी में गया उसका खर्चा हो गया, और प्लेन टिकट ऐसा ऐसा
कुछ पैसा घर में भेजा, कुछ सामान खरीद किया। बैंक में इतना तो जमा नहीं कर सकते, डिपॉजिट इतना तो नहीं है। इसलिए मेरे मन में क्या बोला, तुम जाओ लेकिन क्या करो, पहले थोड़ा व्यापार करके पैसा कमाओ, इसके बाद में जाओ थोड़ा व्यापार करो। जाएगा लेकिन आज नहीं कल, हाँ बदली करेगा, आज नहीं कल। सैतान ऐसा बोलते हैं हम सबको, हाँ शराब छोड़ेगा, हाँ छोड़ूंगा आज नहीं कल। ओके, वो मोबाइल का फोन का एडिक्शन कुछ लोगों का है, फोन का एडिक्शन, आप बदली करेगा आज नहीं कल कल, आज भी थोड़ा रहने दो। देखो सैतान ऐसा बोलते हैं, मैं भी ऐसा बोला क्या करेगा, मैं आएगा लेकिन पहले थोड़ा पैसा कमाने दो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऐसा मैं व्यापार शुरू किया, खुद का व्यापार शुरू किया, बड़ा बड़ा दुकान से माल लेके छोटा छोटा दुकान में जाके मुझे बहुत क्रैक दा, बहुत कस्टमर्स दा, उधर मैं बेचता था, वो बहुत अच्छा अच्छा फायदा मिलते थे, दो तीन घंटे काम करेगा अच्छा फायदा मिलते थे। हालेलुया हालेलुया। ये क्या करते, मेरा दशांश भी सेपरेट ऐसा रखते थे, दशांश प्रभु का सेवा के लिए। हालेलुया, हमारा जो फायदा मिलते प्रभु का सेवा के लिए देना। हालेलुया हालेलुया। अपने चर्च में और इधर भी कुछ सहायता चाहिए, ये खाना पीना सब कुछ हम क्या कैसे करते, मुफ्त में करते हैं ना पूरा शिविर। वो बिजली का भी 20 का सर हो गया इस महीने में, बिजली का पिछले महीने में कैसे चल सकते, वो आप लोगों को जो ईश्वर ने देते इससे भी सहायता करना चाहिए। अगर तुम लोग कंजूस है तो ईश्वर का वरदान आप लोगों को नहीं मिल जाएगा। कंजूसी लोगों को पैसे नहीं मिलते, देने वाले लोगों को पैसा मिलते। हालेलुया। आप मैं भी ऐसा दशांश रखे देना शुरू किया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक दिन मैं काम ऐसे जाके वापस आया, मेरे पॉकेट देखता हूँ, मेरा पर्स नहीं है, मेरा वॉलेट, वो ये नहीं देखते, छोड़ दिया, कहाँ छोड़ दिया मालूम नहीं, मेरा पूरा पैसा। वो बिजनेस ऐसा रोलिंग करते हैं ना, माल खरीद करते बेचते पैसा आते, ऐसा ऐसा हर दिन का व्यापार होते, फायदा भी मिलते फायदा भी रखते। वो पूरा पैसा भी गया और मेरा काम करने का चिट्ठी भी निकल गई उसके साथ, काम करने का चिट्ठी असली और डुप्लीकेट दोनों निकल गई। हालेलुया 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 हालेलुया। बाहर नहीं जा सकते, काम के लिए नहीं जा सकते, पुलिस पकड़ेगा उधर। एक दिन मैं गया बाहर, पुलिस मुझे पकड़ा, उसी समय तक पुलिस नहीं पकड़ा था, 3 साल पुलिस कभी मुझे नहीं पकड़ा। एक दिन मैं गया लेकिन मैं एक डुप्लीकेट पेपर कुछ पुलिस ने दिया, एक बार पुलिस ने मुझे पकड़ा, वो एक व्यक्ति को हत्या हो गया नसिक वाला फ्लैट में हत्या हो गया, इसके द्वारा हम सबको पकड़ के हमारा फिंगरप्रिंट लेके एक हमारा ये वो उधर रखा था वो पेपर दिया था, वे पेपर में कचरे में डाला था सब, जब मेरे दोनों वो सब कुछ निकल गए ये पेपर में रखा, कचरा से निकल के रखा मेरे पर्स में। हालेलुया। पुलिस पकड़ने के समय में ये पेपर दिखा के एक झूठ बोला, ओके बचाने के लिए एक झूठ बोला, मेरा पेपर पुलिस के साथ है बोला। हालेलुया, ऐसे बच गई। हालेलुया। झूठ बोलने के लिए आपको आदेश नहीं देते लेकिन उसी वक्त में मुझे ऐसा वो बच गई। फिर बाद में बाहर नहीं जा सकते काम के लिए, पुलिस कभी पकड़ेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं घर में कमरे में बैठा हूँ, दूसरे
दोस्ती लोगों काम के लिए गया, मैं बैठा हूँ उधर। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन मैं पूछा, ईश्वर क्यों मेरे पैसा, मेरे चिट्ठी, ये चिट्ठी सब कुछ गया, मुझे काम तो नहीं कर सकता, क्यों? उस समय ईश्वर ने यही वचन दिया, संत मत्ती 6:25-33, संत मत्ती 6:25-33 तक वचन दिया, फिगर मत करो, कल के बारे में नहीं सोचो, मैं सब कुछ सहायता करेगा, ये पक्षियों को देखो, फूल को देखो, कौन उनको सहायता करते। हालेलुया। इसमें 6:33 में लिखा, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसके धार्मिक आत्मा में खोज में लगे रहो और सब कुछ यो ही मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वही वचन दिया, तुम पैसा कमाने के लिए इससे दौड़ने का जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ देगा आपके लिए। हालेलुया। तुम वापस आओ, पैसा के बारे में नहीं सोचना, तुम वापस आओ, मैं तुम्हारा सहायता करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही प्रभु ने बोला, मैं बोला ठीक हूं, ठीक हूं। देखो उस दिन से अभी तक, उस दिन के अभी तक ईश्वर ने मुझे सारा कार्यों में सहायता किया, उसने सहायता किया। जो लोग प्रभु में भरोसा रखने वालों को किसी चीज का कमी नहीं होते। हालेलुया। संद सौत्र ग्रंथ 23:1-2, सौत्र ग्रंथ 23:1-2, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं। हालेलुया। संत मत्ती सॉरी सौत्र ग्रंथ 34:10, वो क्या नंबर है बोला, 34 है ना, 34:10, स्तोत्र ग्रंथ 34:10, 10 अध्याय 34:10, प्रभु भक्तों, प्रभु भक्तों, प्रभु पर श्रद्धा रखो, प्रभु पर श्रद्धा रखो, श्रद्धालु भक्तों को, श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं, किसी बात की कमी नहीं। हालेलुया। प्रभु भक्तों, प्रभु पर श्रद्धालु भक्तों, श्रद्धा रखो, उन लोगों को किसी चीज की कमी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ बहुत बड़ा ज्यादा चमत्कार है, मैं बाद में बोलूंगा, समय मिलेगा तो बोलेगा कैसे कैसे उसने मुझे सहायता किया अभी तक। हालेलुया। देखो इसके बाद एक दिन मैं बैठा हूँ कमरे में, बैठा हूँ, बहुत दुख हो गया, मेरे पैसा तो वापस नहीं मिला, फ्रेंड्स तो वापस नहीं मिला, मेरे वीसा वो काम नहीं कर सकते, मेरे सहायता के लिए कोई नहीं है, मैं रोता हूँ, दूसरे सब लोग काम के लिए गया, मैं रोता हूँ। ऐसा समय में मुझे एक मन में एक चिंता मिला, तुम ऊपर जाके प्रार्थना करो। वो प्रार्थना करते थे, ऊपर जाके प्रार्थना करो, 4 फ्लोर बिल्डिंग था, ऊपर जाके माँ मरियम को बोला, माँ मरियम आपने बोला मुझे वापस आओ, यीशु के पीछे जाओ, लेकिन अभी देखो मेरे लिए सहायता के लिए कोई नहीं है, पैसा भी नहीं वापस मिला, वो चिट्ठी भी नहीं है, बहुत तकलीफ में है, ऐसा उसको बोल के नीचे आया। उसी वक्त एक चमत्कार हो गया। हालेलुया। एक महीने के बाद, सब कुछ छोड़ने के एक महीने के बाद चमत्कार हो गया, जब मां मरियम से मध्यस्थता के लिए प्रार्थना किया, उसी वक्त मुझे फोन मिला, मेरे सब कुछ चीज वापस मिला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक भी दिरम्स चोरी नहीं हो गया था। वो पुलिस लोग मुझे सब कुछ दिया, वो लोग बोला कभी आपको परमिट मिलते, पैसा नहीं मिलते, ये पैसा भी मिला, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। हालेलुया। इसलिए हम विश्वास करो, ईश्वर हमारे सहायता करेगा, मां मरियम भी हमारा सहायता करते।
बाकी ये संत मती 6:33 में विश्वास करके हमारे जीवन को भी ईश्वर को समर्पण करना। अभी हम थोड़ा कड़े होके गीत गाते, ईश्वर का स्तुति गाते और माँ मरियम का एक गीत गा के उससे मध्यस्थता हम मध्यस्थता के लिए माँ मरियम से हम मध्यस्थता पूछते हमारे लिए। इस शिविर में हम सबको माँ मरियम का सहायता का जरूरत है। ओ माँ मरियम ओ माँ मरियम तेरा हाथ हाथ जोड़ के माँ मरियम से मदद बिहे हम ओ माँ मरियम आवाज में बोलेंगे हालेलुया और जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए आप लोग तैयार हैं सभी? तो जोर से और एक बार बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब ताली बजाते हुए Yeah.